वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पे स्वागत है। ऑलरेडी हम एनटीपीसी के दो सेट कर चुके हैं, आज हम तीसरा सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थर्ड सेट के अंदर हमारे पास वही सेम क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हमने पहले देखे थे, बस कुछ क्वेश्चंस अलग हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अलग अलग सेट अलग अलग डे के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से क्वेश्चन सेट लेके आए हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो हमारे पास में है। कूट भाषा का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोडिंग की बात हो रही है। कोडिंग लैंग्वेज के अंदर क्या बोला गया है कि अगर आपके पास नॉर्थ है तो नॉर्थ को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, वेस्ट से। पश्चिम मतलब होता है वेस्ट, नॉर्थ को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेस्ट से। दक्षिण जिसको हम साउथ बोलते हैं किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ईस्ट से। और ईस्ट जिसको कि हम पूर्व बोलते हैं उसको उत्तर मतलब नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये तीनों चीजें हैं। आगे पूछा क्या गया है तो देखते हैं, अगर इनको इन सभी से रिप्रेजेंट किया जाता हो तो सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो बस वो ये जानना चाहता है कि सूर्योदय पता है कि नहीं पता आपको कि किस दिशा में होता है, मतलब वो ये जानना चाहता है कि अगर आपको पता है कि सूर्योदय ईस्ट से होता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, नॉर्थ कह दिया जाएगा। आंसर आ जाएगा उत्तर। आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट टू क्वेश्चन हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 3 और 27 दिखाई दे रहा है। तो 3 से 27 हमें कुछ हद तक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 की पावर 1 रेशो 3 की पावर 3। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर 1 रेशो 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। आंसर नंबर बी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यदि a बराबर मल्टीप्लाई है, b बराबर हमारे पास c प्लस है, तो बताना है ये क्या है। तो यहाँ पे एक बार इन सभी को हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं ऊपर। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस हो गया, ये डिवाइड हो गया। आपको बोर्ड मास अच्छे से पता है तो बनाएंगे 7 multiplied by 5 plus 1 upon 6। तो यहां से अगर इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 7 multiplied by 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 प्लस, यदि मैं यहाँ देखना चाहूंगा, प्लस 1/6 यदि मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, यही मुझे चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैं 35 में 1 अपॉन 6 करता हूं तो 35 में जब मैं 1 अपॉन 6 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, ये देखना है मेरे को। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ लिख लेता हूँ कि 7 multiplied by a लिखा है 5 प्लस, यदि मुझे करना है c का मतलब बी, 1 आ गया मेरे पास में, और बी जिसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ तो कहीं पे मेरे पास ब्रैकेट की फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो जरा देख लेते हैं इसे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से यहाँ तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास गलत है या क्वेश्चन को गलत फ्रेम किया गया है, क्योंकि हो सकता है जब हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखते हैं तो कहीं इसमें कोई गलती हो, कोशिश करते हैं चेंज करने की। तो हो सकता है यहाँ बी हो और यहाँ सी हो, तो यदि मैं इसको इस तरीके से करने की कोशिश, 5b1c6, तब देखते हैं जरा क्या होता है। तो a का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, b चेक करते हैं कि आंसर आता है क्या। तो 7 multiplied by 5 divided by 1, तो इसको इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है। यहां से अगर मैं करूंगा तो 7 multiplied by 35 plus 6 हो जाएगा मेरे पास, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गलत है जो कि मेंशन नहीं हो पा रहा है। तो जरा इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए ड्रॉप नहीं दे पा रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर ट्राई करके देख लेता हूं। 7 multiplied by 5 plus 1 upon 6, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा हो तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। इन्होंने एक गलती कर दी, बोर्ड मास फॉलो हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन इनकी गलती क्या है मैं बता देता हूं एक बार आपको। ये देखिए, इन सबको हटा दीजिए यहां से, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूं। जब आप इसको चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है, बस यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना वो लोग भूल गए हैं। तो जरा हम उसको यूज करते हैं। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे, तो मुझे ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 7a 5c1 b6। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो, ब्रैकेट के अंदर है 7 multiplied by 5 plus 1 divided by 6। तो जब आप इस ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7 5 35 plus 1 36 upon 6, तो आंसर आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा बी।
थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना, यहां से लेकर के यहां तक का डेटा ब्रैकेट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 6 है और 4 इक्वल टू 8 है, तो अगर आप चेक कर पा रहे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 है सब में, ठीक है। थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालते हैं, और प्लस इक्वल टू माइनस है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखो 41 आपको समझ में आता है, बस इनमें नंबर्स का, अब देखो यहाँ इनमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, इनमें जो जो भी नंबर लिख रहे हैं उन्हें चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं, प्लस को माइनस करना है तो 1 को 2 करना है, 4 को 8 करना है, तो 4 को मैंने 8 कर दिया, 1 को 2 कर दिया, माइनस 3 को मैंने 6 कर दिया, 4 को 8 कर दिया, माइनस 1 को 2 कर दिया और 3 को 6 कर दिया, इसका आंसर हमें बताना है। बात समझ में आ रही है सबको। चलिए मैंने कुछ नहीं किया, प्लस की जगह माइनस कर दिया और जितने भी नंबर यहाँ दिए हुए हैं उनको इन पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, यही सिंपली कंसेप्ट लगेगा। तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्यों, क्योंकि 82 माइनस कॉमन होकर के ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो आंसर बनेगा 82 माइनस यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है, और जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 12। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि कौन सा कंसेप्ट लगाना है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि यदि अल्फा की वैल्यू इतनी है, बीटा की इतनी है, तो डेल्टा की वैल्यू मुझे बतानी है। तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फाबेट की नंबरिंग से स्टार्ट किया करो, ठीक है, क्योंकि सबसे इजी वही होता है। तो अल्फाबेट की नंबरिंग यदि आप करोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 12, आनी चाहिए अल्फाबेट की नंबरिंग, नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। पी की नंबरिंग 16, एच की 8 और ए की 1। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 12 और 16 मिलकर के मेरे पास में हो गया 28, और 28 प्लस 8 मिलके हो गया मेरे पास में 36, और 36 और 1 और 1 मिलके हो गया 38। क्या 38 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर 38 नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए इसको यही होल्ड करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि 36 कैसे आया। पहले इनको जोड़ के देखते हैं। बीटा में बी की वैल्यू 2 हो गई, ई की 5 हो गई, टी की मेरे पास में 20 हो गई और ए की 1 हो गई। इनको यदि मैं जोड़ता हूं तो इनको जोड़ने पर 2 और 5 कितना हो गया, 7 प्लस 20 प्लस 1। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 7 और 1 8 और 20 हो गया 28। यहाँ पे भी 28 नहीं आ रहा, 26 आ रहा है, और यहाँ पे भी 36 आ रहा है, मतलब माइनस 2 भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्या करना है, सारे लेटर्स को जोड़ के उनकी नंबरिंग ऐड करने के बाद उन ऐड करे हुए नंबर में से माइनस 2 कर देना है। तो डेल्टा के लिए करते हैं, डी की वैल्यू हो गई 4, ई की वैल्यू हो गई 5, एल की वैल्यू 12, टी की 20 और ए की 1। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 5 और 5 10 हो गए ये, ठीक है, 10 और 12 कितने हो गए 22, 22 और 20 कितने हो गए 42, ठीक है, और इसमें से माइनस 2 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 40 यानी 40। बात समझ में आ गई सबको। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 13 क्वेश्चन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि ई संबंधित है बी एच से, ई का संबंध किसके साथ है, बी और एच के साथ में है, ठीक है, इट्स ओके, और तो उसी तरह n किससे संबंधित होगा, तो e का संबंध b और s से कैसे हो सकता है, तो ये तभी पता लगेगा जब मैं b से लेकर के h तक पूरा लिखूं। तो b c d e f g h, बात समझ में आ गई, b और h के बीच में दो दो के दो पेयर छोड़े हुए हैं, दो दो का पेयर छोड़ा हुआ है और बीच वाला ले लिया गया है। इसी तरीके से यदि मैं n की बात करूंगा तो यहां पे दो लेटर, यहां पे दो लेटर, और ये जो लेटर होंगे ये वाला ही आंसर होगा। तो देखो किसके साथ आता है, एल एम एन, नहीं तो यहां आ जाएगा के एल एम एन ओ पी क्यू, आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू। बात समझ में आ गई, एक लेटर से दो बना रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आगे पीछे का कोई रिलेशन हमें दिखाई दे रहा हो, तो वही हमने करके देखा है। यहां पे अगर आप चेक करोगे तो बी और एच के बीच में दो दो का गैप है और तब जाके एग्जैक्टली बीच में ई मिल रहा है, ऐसे यहां पे के और एल क्यू के बीच में दो दो का गैप है तभी एग्जैक्टली बीच में मुझे एन दिखाई दे रहा है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि इन सारे सिंबल्स का मतलब ये है तो मुझे बताना है कि ये दिया हुआ जो नंबर है मेरे पास में, इस पर्टिकुलर नंबर में मैंने क्या किया होगा, चेक करें। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं एक बार कि मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 312, ठीक है, तो 312 और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, मतलब डिवाइडेड बाई 4 है मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में ये है, तो इसका मतलब क्या है, पावर का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाई 7 है मेरे पास में, और हैश का मतलब है प्लस, मतलब प्लस का क्या है, 5 है मेरे पास में, क्लियर है यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर। तो जरा डिवाइड करके देखते हैं, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके साथ
तो ये वैल्यू काफी बड़ी नहीं हो जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाई 7, इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है जो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है वो करेक्शन मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो मेरे को दिख रहे हैं मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना है, नहीं तो मैं इसको भी सॉल्व, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से 4 7 जा हो जाएगा 28, ठीक है, उसके बाद 3 बचेंगे तो 8 यहां आ जाएगा, ठीक है, तो 8 यहां पे आ गया 32, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई जब मैं 7 करूंगा और प्लस 5 करूंगा तो जो आप इसमें मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो 56 आ जाएगा आपके पास में, क्या यानी 5 चला जाएगा 49 और 5 आ जाएगा 54, और 54 में 5 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 54551, आंसर क्या आ जाएगा 551, जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वन नहीं है, ये जो वन दिखाया हुआ है ये नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन है 32 एक्सक्लेमेटरी 4 पावर 7 हैश 5, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन इस क्वेश्चन में कर लेना। जब आप इस क्वेश्चन में ये करेक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो 32 एक्सक्लेमेटरी मतलब डिवाइडेड बाई 4, पावर मतलब मल्टीप्लाइड बाई 7, और हैश मतलब प्लस मतलब 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 4 8 जा 32, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 5 करोगे तो 7 8 56 ये आ जाएगा, 56 में जब 5 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 61। बात समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, और नहीं भी करना तो इस वाले से आंसर ये बन जाएगा, एग्जाम में ऐसी एरर नहीं होगी, ये पीडीएफ है जो हमारे पास में है बनाई हुई है इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कभी कभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठी है? और मैथमेटिकल क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो आपको सर बताएंगे कि ये किस तरीके से है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकाले हुए हैं तो इसको अगर मैं खुद से चेक करना चाहूँ दोनों संख्याओं के अंतर्गत ठीक बैठी हुई है तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास 149, यहाँ आ रहा है 1827, ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये स्क्वायर्स चल रहे हैं, ठीक है, और इसको देखोगे तो ये क्यूब चल रहे हैं, ठीक है, क्यूब और स्क्वायर कौन सी संख्या ऐसी है जो ठीक बैठी हुई है, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों के बीच में कॉमन रह सकती है, तो देखो 25 क्यूब और स्क्वायर दोनों नहीं होता, 36 भी क्यूब और स्क्वायर दोनों नहीं होता, 46 तो कुछ होता ही नहीं है, केवल 64 ऐसा है जो दोनों हो सकता है। बात समझ में आ रही है, अगर मैं 8 की पावर 2 करता हूं तो भी 64 हो जाएगा, और 4 की पावर 3 करता हूं तो भी हो जाएगा, तो ये वो कॉमन नंबर है जो दोनों श्रेणियों के बीच में बैठ सकता है, ठीक है, एक तरीके से मैथमेटिकल है, लेकिन आप थोड़ी सी रीजनिंग लगाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है, और अब हम आते हैं अपने लॉजिकल के क्वेश्चन के ऊपर। जब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, तो ये एक स्टेटमेंट मुझे दिया गया है कि भारत में जो स्वास्थ्य बीमा की यहाँ बात की जा रही है वो केवल किसके लिए है, अमीरों के लिए है, तो भारत में स्वास्थ्य बीमा अमीरों के लिए, ये हमें सही मानना है, ठीक है, सही मानते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अंग्रेजों के लिए है या फिर केवल अमीरों के लिए है, ठीक है, और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित मतलब पुनर्रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। ये जो हमारे पास में स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, मेडिकल जो इंश्योरेंस होता है हमारे पास में, उसकी फील्ड को दोबारा से रीस्ट्रक्चर की विनियमित किया जाना चाहिए, और भारत में जो स्वास्थ्य बीमा है, जो मेडिकल पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस हैं, वो केवल किसके लिए है, जो रिच पीपल्स है केवल उनके लिए है, ठीक है, एलाइट पीपल्स जो हमारे पास में होते हैं उनके लिए है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। क्या ऐसा कुछ ऊपर कहा गया है, वो कह रहा है उसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीयकरण की कहीं भी बात नहीं की जा रही है, तो स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड यदि मैं बात करता हूं यहां पे, तो सेकंड मेरे पास में कह रहा है कि स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, केवल अमीरों के लिए है, तो इसका निष्कर्ष ये तो बिल्कुल नहीं निकलता कि यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, केवल अमीरों के लिए है से ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते कि गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, और राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए इसका कोई भी क्लू हमें ऊपर नहीं दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल ही हमारे स्टेटमेंट से बाहर की बात हो गई, और ये जो है, ये जो बात हुई है उसका इससे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ केवल इतना कहा गया है कि केवल अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है या नहीं ऐसा कुछ भी बताया
नहीं गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पे क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। बात समझ में आ गई सबको? दो चीजें ध्यान रखनी है जब आप स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ते हैं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, तो जो भी निष्कर्ष होता है वो कथन, जो स्टेटमेंट कहा गया है उससे जो बातें निकल के आ रही हैं उससे बनता है, ठीक है। जैसे भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, ठीक है, गरीबों की बात नहीं बताई गई, ये अननोन बात है, इसलिए आवश्यक नहीं है, जो सेकंड मुझे कह रहा है वो चीज नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का विनियमित किया जाना चाहिए, तो इसका राष्ट्रीयकरण से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही क्या हो गए, अनुसरण नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि यदि ए की बहन के पति बी हैं, तो ए की जो सिस्टर है यहाँ पे मेरे पास में, उसके पति बी हैं, मतलब बी उसके हस्बैंड हैं, तो देखो ए की बहन के पति बी, अच्छा ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि ये कौन है, पूरी लाइन हमारे पास में क्या है ये हमें चेक करना पड़ेगा, बी नहीं है, लेकिन आगे क्या कहा गया है वो हमें देखना है। तो देखो क्या बोला गया है कि ए की बहन के पति कौन है, अभी तक पता नहीं है, ए की बहन के पति बी की सास के दामाद हैं, तो बी की सास कौन है ये पता लगनी है, उसके ये दामाद हैं, तो दामाद कब होंगे, जब रिलेशन फीमेल की तरफ से आएगा तभी तो ये दामाद बनेंगे, किसके बनेंगे, इसके पिता और माता के बनेंगे, ये दोनों भाई बहन हो गए, इनके माता पिता होंगे, सास मतलब हो गया इसकी माता, ठीक है। अब देखो बी की सास के दामाद हैं, तो बी की सास के दामाद हैं, अब देखो यदि ए की बहन के पति बी की सास के दामाद हैं, तो बी कौन हो गया, यहां से रिलेशन आएगा बी का, बी की सास के दामाद हैं। मैं फिर से समझा देता हूं, ए भाई या बहन कुछ भी हो सकता है इसका, यदि ए की बहन तो ए भाई या बहन कुछ भी हो सकता है इसका, तो यदि ए की बहन के पति बी, बी किसको मानना पड़ेगा, बी की सास कब आएगी के दामाद है, दामाद है मतलब इसकी पत्नी जो है उसकी माता होंगी, वो दामाद तभी बन पाएंगे, और किसकी सास, बी की सास, तो बी की सास तभी हो पाएगी ये, जब वो ए की पति या फिर पत्नी में से कुछ और हो। नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है। ए की बहन के पति हो गए ये, तो ए की बहन के पति दामाद है, दामाद किसके होंगे, इसकी माता पिता के होंगे, और बात सास की हो रही है, सास इसकी बन, अब इसकी सास बनेगी ये बी है, तो बी या तो ए का पति होगा या ए की पत्नी होगा, ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहां से ये जरूर पता लग गया कि स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो बताना क्या है, ए किस प्रकार बी से संबंधित, तो ए किस प्रकार है, तो ए या तो पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है, ए पति भी हो सकता है और क्या भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे पति पत्नी में से पति दिया है, तो हमने पति को प्रेफर कर लिया, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ए की एक बहन है, खुद अज्यूम करो ए की एक बहन है, ठीक है, आपकी आपकी उस बहन के जो पति हैं उसके वो दामाद हैं, किसके दामाद होंगे, आपकी बहन की माता के दामाद होंगे, और आपकी बहन की माता सास है बी की, पत्नी जिसमें से पति यहां पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि COW डिवाइडेड बाय CW13 है, क्या दिया हुआ है, यदि COW डिवाइडेड W का मान क्या होगा, तो देखो अब यहां पे क्या होगा, COW का मान क्या होगा ये बताना है, ये x है, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 13, ऐसे मान सकता हूं मैं, ठीक है, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू, इट मींस x इज इक्वल्स टू 13y, ठीक है, तो काओ का मान बताना है, तो काओ तो एक्स है, ठीक है, तो इनमें से क्या ले सकता हूं मैं, तो जो भी लूंगा उसको 13 से डिवाइड करने पे वाई आना चाहिए, ठीक है, 13 से डिवाइड, अब देखो कौन कौन 13 से डिवाइड होता है, तो 13 वन जा 13 हो गया, और फिर 13 वन जा 13, 13 2 जा 26, 26 और उसके बाद 12 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 13 वन जा 13, 13 2 जा 26 के बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा, 26 के बाद 6 बचेगा 33, 3 तो 26, 13 2 10, 13 4 52, 53 65, 35 आएगा, 63 नहीं, यहां से अगर मैं चेक करूंगा तो 13 तो 26, 13 39, तो 13 26 मतलब दो बार आ गया, 26, 26
26 आया तो बचा कितना 12, 12 बचा तो ये कितना आ गया 7, तो 127, तो 127 13 की टेबल में आता है क्या? तो ये अगर मुझे चेक करना है तो ये केवल 9 के साथ आ सकता है, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो यहाँ 2 बचेगा, 9 का 117 आंसर, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर सिर्फ क्या हो सकता है 195, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और 195 यदि काउ की वैल्यू है आपके पास में, तो उस हिसाब से यहाँ पे सी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस हिसाब से सी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी यहाँ पे 13 1 13 और 13 5 65, ठीक है, 15 हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे, मतलब O की वैल्यू अगर वो पूछता तो मैं O की वैल्यू बता सकता था, क्योंकि C O W में C O W तो 15 हो गए, तो O की वैल्यू क्या हो गई 9। अच्छा क्वेश्चन अगर उसे बनाना था तो वो ये भी बना सकता था, तो मुझे O की वैल्यू बताओ। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो बताइए हैश डेल्टा और ये जो हमारे पास जार है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर मैं यहाँ से कैच करने की कोशिश करूँ तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, मुझे इंडिविजुअल इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जब मैं इंडिविजुअल इनकी वैल्यू निकालूंगा तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं हैश की बात कर रहा हूँ तो इस कंडीशन के अंदर आप देख रहे होंगे डेल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। हैश मतलब 3 बोलना पड़ेगा, इसका मतलब 5 बोलना पड़ेगा और इसका मतलब 4 बोलना पड़ेगा, केवल एक यही कॉम्बिनेशन है जिससे 3 डिजिट का आंसर ला सकते हो, अदरवाइज 3 डिजिट का आंसर नहीं ला पाओगे। क्लियर है? मतलब चीज़ों के अकॉर्डिंग यदि कोई मुझसे ओ का पूछे तो ओ की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ओ 2 से रिलेट कर रहा है और डेल्टा या ट्राइंगल 5 से रिलेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, एकदम भिन्न है मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट के अंदर क्या क्या नाम दिए हुए हैं, तो डिफरेंट के अंदर हमारे पास में नाम दिए हुए हैं चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वार, ठीक है। तो देखो बुखार की बात करें चाहे खसरा की बात करें चाहे यहाँ पे चेचक की बात करें, इन चारों की बात करें तो ये सब बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और यहाँ पे यदि मैं मस्तिष्क ज्वर की बात कर रहा हूँ तो ये आपके ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर, आंसर क्या हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर। खसरा, बुखार, चेचक तीनों चीज़ें बॉडी से रिलेटेड हैं, ठीक है, इफेक्ट मस्तिष्क को इतना नहीं करती है, लेकिन मस्तिष्क ज्वर अलग हो गया, वो सीधे आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी के तुरंत की तरफ संकेत कर महिला सी से कहता है, एक व्यक्ति है ये किसी बी की तरफ संकेत करते हुए, इसके साथ में एक कन्वर्जेशन हो रही है, किसके साथ वो उस कन्वर्जेशन हो रही है, सी के साथ कन्वर्जेशन हो रही है ए की, और बी की तरफ इशारा करते हुए वो कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है बी की तरफ इशारा करते हुए वो, तो बी की तरफ इशारा करते हुए ए कह रहा है कि उसकी, मतलब किसकी, बी की मॉम आपके पिता सी के पिता यानी सी के फादर की इकलौती पुत्री है, तो सी के फादर हो गए तो सी के फादर की इकलौती पुत्री है कौन, बी की मॉम। ठीक है, फिर से बताता हूं, ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए सी से कहा, ठीक है, कि उसकी मतलब बी की मॉम, क्या कहा कि बी की मॉम उसके पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए सी से कहा कि उसकी माँ आपके मतलब किसके, सी के पिता की इकलौती पुत्री है। ये रिलेशन हो गया, मतलब तीनों जनरेशन पता लग गई हमें, ठीक है। तो बताना है कि सी किस प्रकार बी से संबंधित है, सी किस प्रकार बी से संबंधित है, तो सी बी का चाचा या मामा कुछ भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मामा होगा, है ना, या तो मामा होगा, और अगर मामा नहीं हुआ तो मदर हो जाएगी, कि अगर ये दोनों पर्सन ही सेम निकले
ठीक है, सी के फादर की इकलौती पुत्री और सी दोनों एक ही निकले, तो उस कंडीशन में सी का बी से संबंध ऐसे होगा कि सी बी की माता बन जाएगी या सी मामा बनेगा। तो मामा का रिलेशन यहाँ नहीं है, केवल माता का यानी मॉम का रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मदर। क्लियर है? चलिए आगे खुद से करके देखना, मैंने एक बार आपको बता दिया है किसको इंडिकेट करते हुए कौन कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिर से हमारे पास में कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसने किसको इंडिकेट किया है, कार को, कि कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ गया है। इट्स ओके, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे पास में साइनस की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम किसकी वजह से बात हो रही है, कार जैसे मोटर वाहनों। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली किसको इंडिकेट किया गया है, कार को इंडिकेट किया कि कार जैसे जो मोटर वाहन है उनकी वजह से प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है और प्रदूषण के कारण श्वास रोग हो रहे हैं। ठीक है, यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये ना हो तो भी होगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट, इसका निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं कि कार ना हो तो प्रदूषण ना होगा, ये कह सकते हैं कि प्रदूषण होगा लेकिन कम होगा, होगा लेकिन कम होगा। और डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है, इसलिए पहला और दूसरा अगेन दोनों अनुसरण मतलब निष्कर्ष फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ बोला गया है सन स्टार मून, मेरे हिसाब से समझ गए होगे, लेकिन अब की बार आपके पास कंडीशन ये आ रही है कि आपके पास लेटर कुछ और भी आ रहे हैं, जैसे ए और आर एक्स्ट्रा आ रहा है। जब ए और आर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको अब समझना चाहिए कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, और मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा तो जरा मैं चेक करता हूँ। अगर मैं सन की बात करता हूँ और यहाँ पे मून की बात करता हूँ, तो सन और मून में एन आ रहा है लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे एट नहीं आ रहा। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एडिशन करूंगा तो एडिशन भी 114 और 108 तो नहीं पहुंच पाएगा, ये बात क्लियर है। तो जरा मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं, ये क्या है 19, ये क्या है 21 और ये क्या है मेरे पास में 14। क्लियर है, 19, 21 और 14, ये मेरे पास में इनकी नंबरिंग है। ठीक है, इसकी है मेरे पास में 13, 15, 15 और 14। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर ये मेरे पास में नंबर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये तो 108 हो जाए और ये 114, तो इनको एक बार जोड़ लो। जब मैं जोड़ूंगा तो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 मतलब हासिल लगी 1, कैरी 1 गई, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 54 आ गया। ऐसे ही इनको ऐड करो, 3 और ये 5 10 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, कैरी गई 1, 1 और 1 2, 3, 4 और 5, 57 और 54 दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, जैसे ही करोगे आंसर ये दिख जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो चलिए फिर स्टार को करते हैं। स्टार में 19, 21 और 18, 19 और 1 मिलकर के क्या हो गए 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 और 18 कितने हो गए 58, और 58 मल्टीप्लाइड बाय जब करोगे तो 116 आंसर आ जाएगा। एम आई राइट? चलिए फिर आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे, बस प्रैक्टिस करना है हमें और कुछ नहीं करना। अगली संख्या कौन सी होगी, बी की नंबर होती है 2, 4, 8, 16, 2 का मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 का 2 8, 8 का 2 16 और 16 का 2 32, 32 मतलब 32। सर 32 तो होते ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कितने होते हैं, जेड का मतलब क्या होता है मेरे पास में, जेड का मतलब होता है मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 26, Z का कितना होता है मेरे पास में 26। ठीक है, अगर Z का 26 होता है मेरे पास में तो 26 और 30 कितने डिफरेंस 6 का, तो अगर 6 का है तो 6 वाला लेटर मेरे पास में होना चाहिए था, और 6 वाला लेटर होता कौन है, 6 वाला लेटर होता है मेरे पास में F, लेकिन यहाँ F दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो 2 का फिर आ गया 4, 4 के बाद आ गया 8, 8 के बाद आ गया 16, हमने एक तरीका कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 2 करके देख लिया, 2 करके देखा तो नहीं आ रहा, 32 के हिसाब से नहीं आ रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर 32 के हिसाब से नहीं आ रहा तो मैं ऐड करके देखता हूँ, 2 में 2, 4 में 4, 8 में 8, 16 में 16, तो 32 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2, 4, 8, 2, 4, 8 और मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो आप अगर चेक करेंगे तो 16 अब यहाँ पे मेरे पास बन रहा है, और मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो भी 2 का 4 का
तो यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है इनके बीच में, और यहाँ पे अगर मैं 6 का डिफरेंस लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस और 4 का लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 14, और अगर मैं 2 टाइम्स लेता हूँ और इसको 8 लेता हूँ तो 16 आ जाएगा, यानी 16, और 16 और 16 32 होता है। ओके, मतलब यहाँ पे मेरे पास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है। एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं इसको हम। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एक मिनट, B आ गया मेरे पास में, B के बाद D आ गया, D के बाद में H आ गया, H के बाद में N आ गया, ये चार तो मेरे पास में आ चुके हैं। ठीक है, और इन चार के बाद यदि मैं आगे चलता हूँ तो कौन सा ऐसा लेटर है जो आएगा N के बाद में, तो N के बाद में क्या आ सकता है, ये मेरे पास में हो गया 2, ये हो गया 4, H का मतलब मेरे पास में होता है 8, N का मतलब मेरे पास में होता है 14। ये गलत हो गया ना, N का मतलब 16 नहीं होता, सॉरी, N का मतलब कितना होता है, 14। ठीक है, अब n का मतलब मेरे पास में 14 है, तो अगला क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखो, इसके हिसाब से अब मल्टीप्लाई नहीं बन रहा, अब मल्टीप्लाई नहीं बन रहा तो क्या होगा, इसका डिफरेंस हो गया 2 का, इसका डिफरेंस हो गया 4 का, इसका डिफरेंस हो गया 6 का, तो अब अगला डिफरेंस कितने का होगा, 8 का, 8 के हिसाब से ये होगा 22, और 22 का मतलब क्या होता है, V, आंसर नंबर A। ठीक है, तो अगर मेरे को नंबरिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत आई, जैसे मेरे को अभी n की नंबरिंग में 16 में दिक्कत आ गई, मैंने n को 16 लिख दिया क्योंकि मैं डायरेक्टली सोचने लग गया कि अच्छा ये ऐसे चल रहा है तो 8 के बाद 16 लिख दो, मैंने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि n की नंबरिंग 14 होती है, तो वहां पे हम अटक सकते हैं, और एक बार अटक गए तो हमारा टाइम खराब हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे हम दिया हुआ है कि बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है। ठीक है, कुछ लड़कियां हैं उनके बीचों बीच में बिंदु खड़ी है, बिंदु के बाएं आशा छठी है। अब देखो, बिंदु को मैं बी से डिनोट कर देता हूं, बाएं मतलब होता है लेफ्ट और छठी मतलब हो गया 6, तो लेफ्ट में 6, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 आशा खड़ी है। ठीक है, और बिंदु लड़कियों की पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है, मतलब 6 इधर है तो 6 इधर होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो, और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है। अच्छा, बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है, अब बात समझ में आ रही है, बिंदु लड़कियों के बीचों बीच खड़ी है और बिंदु के बाएं छठी आशा है, ऐसा नहीं बोला गया कि आशा बिल्कुल कॉर्नर में है, लेकिन छठी आशा है, मतलब अभी ये बीचों बीच है, और बिंदु की 16वीं दाएं 16वीं ऋतु है, तो 8 तो ये हो ही गए, और 8 और आगे आएंगे। बात समझ में आ गया, मतलब बिंदु बी के यानी बिंदु के इधर 16 लोग हैं, इधर भी कितने होंगे 16, क्योंकि वो बीचों बीच है, तो 16 और 16 32 और 32 और एक खुद बिंदु 33 मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर बिंदु के दाएं 16 लोग हैं, मतलब राइट में 16 हैं, तो लेफ्ट में भी कितने होंगे 16 होंगे, और 16 16 32 और एक बिंदु को मिला जाएगा तो 33। अब देखो, पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या होगी, तो बिंदु के इधर भी 16 है, इधर भी 16 है, तो दोनों ही तरफ से बिंदु 17 होगी। क्लियर है, क्योंकि मेरे को इसे डेफिनेट मानना है, वैसे तो ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसने कहीं पे भी नहीं कहा कि ऋतु कॉर्नर में बैठी है, लेकिन अब इस कंडीशन को लेते हुए अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं इसको ट्रू मानते हुए ये मान लूंगा कि बिंदु के लेफ्ट में भी 16 है और राइट में भी 16 है। सेकंड, पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अब देखो क्या हुआ, बात न्यूनतम बात करी ना, और हम अभी न्यूनतम मतलब मिनिमम की ही बात कर रहे हैं, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं 33 अभी अभी हमने निकाला। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन कि पंक्ति में आशा की स्थिति क्या होगी, तो देखो आशा यहां बैठी है, बिंदु अभी अभी आपने कहा कि आशा की स्थिति कहां से पूछिए ये हमें नहीं पता, अगर मैं लेफ्ट से इस कॉर्नर से बात करता हूं तो 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए टोटल। ठीक है, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं राइट हैंड से बात करता हूं तो 3 और 3 6 7 8 9 10 11, राइट से तो क्या हो जाएगी 11। ठीक है, और लेफ्ट से बात करूंगा तो बिंदु खुद लेफ्ट से 17 है, तो 17 के बाद 18 19 20 21 22 23, तो लेफ्ट से हो जाएगी 23 और राइट से हो जाएगी 11, तो 23 तो दिया हुआ नहीं है लेकिन 11 दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 11। उसने कुछ बात नहीं करी थी कि लेफ्ट है या राइट है, लेकिन हमने दोनों निकाल लिया और दोनों के हिसाब से वो राइट से कितनी हो गई 11। यहां तक क्लियर है सबको, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो अगला सेट है वो हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ कारण वैसे बीच में नहीं आ पाया, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पे हमें ये सारे सेट देखने को मिलेंगे,
चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।